सो दोनों लेंस डिस्कस करेंगे अपन. सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंसिडेंट लाइट रे पास्ट अनडेविएटेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. ठीक है, तो इसमें दोनों लेंगे हम केस, कॉन्वेक्स लेंस भी लेंगे एंड कॉनकेव लेंस. ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सबसे पहले हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस सुनाते हैं इस तरह से. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा. ठीक है, देन दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, देन वी मार्क द फोकस. ओके, सो दिस वन इज F1 एंड दिस वन इज 2F1. ओके, हियर मार्क F2 एंड 2F. ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट लाइट रे. सो लेट दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे है एंड दिस इंसिडेंट लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस. ओके, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इंसिडेंट लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक है, अब ये पहली दो सर्फेसेस हैं, आप लेंस की जानते हो, दो सर्फेस रहती है, दो स्फेरिकल सर्फेस है. तो एक फर्स्ट स्फेरिकल सर्फेस तो ये होगी और ये हो गई आपकी सेकेंड स्फेरिकल सर्फेस. ठीक है, तो फर्स्ट स्फेरिकल सर्फेस है, फर्स्ट स्फेरिकल सर्फेस पे क्या करते हैं अपन, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखो ये आप इसको स्मॉल सर्फेस ले लो, एक ये स्मॉल सर्फेस है. तो आप इस स्मॉल सर्फेस पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल. तो नॉर्मल मतलब ये जो स्मॉल सरफेस है इसके लेंस की, उस पर आपको 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करना है. ठीक है, तो अभी नॉर्मल ड्रॉ करा तो देखो आप, इसमें बाहर जो है वो रेयर मीडियम है यानी एयर है, अंदर डेंसर मीडियम है जो कि क्या है, ग्लास है. ठीक है, तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होगी, इट विल रेयर से जब वो डेंसर में आएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बोलो. टूवर्ड्स द नॉर्मल. और ये हम बना देते हैं इसका पाथ, ये इसका पाथ हो जाएगा, ये इसका पाथ हो गया आगे की तरफ. ठीक है, तो क्या करें इसको, इट विल बेंड, इसको बेंड करेंगे. एक मिनट रुको, आप थोड़ा सा डायग्राम अपन सही करते हैं. हाँ ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे होगी एंड दिस इंसिडेंट लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डायरेक्ट टूवर्ड्स दिस ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है ये. ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये इंसिडेंट रे कैसे पास हो जाएगी, देखो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. ये तो हो जाएगा पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे. इफ देर इज नो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस देन वॉट हैपन्स, दिस इंसिडेंट लाइट रे विल गो डायरेक्टली अन. ठीक है, ये इसका इंसिडेंट लाइट रे का पाथ होगा, प्रोबेबल पाथ. अब हमने क्या करा, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ साथ यहाँ पर बाहर रेयर मीडियम है, अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है. सो रेयर से जब डेंसर में आएगी तो लाइट रे क्या होगी, दिस लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और मान लो यहाँ आ गई ये लाइट रे, तो जो आपको ब्लू वाली लाइट रे दिख रही है क्या, रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई. ठीक है, अब ये रिफ्रेक्टेड लाइट रे आ गई इस पॉइंट पर, दिख रहा है आपको. अब ये सेकंड सरफेस का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अब ये सेकंड सरफेस का जो पॉइंट ऑफ सर इंसिडेंस है इस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो इस पे कुछ इस तरीके का नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा इस सरफेस पे, तो ये रेड वाला नॉर्मल है. ठीक है, अब ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, जो फर्स्ट सरफेस की रिफ्रेक्टेड लाइट रे थी, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट सरफेस की रिफ्रेक्टेड लाइट रे थी वो कौन सी थी, ये ब्लू वाली. ठीक है, अब आपकी ये जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब ये जाएगा तो ये लाइट रे क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, बताओ. इट विल बेंड्स, बोलो भाई, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, विल बेंड्स अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये तो नॉर्मल. रटा हुआ होना चाहिए आपको यार, सीधे बोलो फटाफट. सो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द यस नॉर्मल, सर. और ये आपको लास्ट में आपकी एक रे मिलेगी जिसको अपन बोल देते हैं इमरजेंट रे. ठीक है, लास्ट में आपको रे मिलेगी, डेट रे इज इमरजेंट रे, इसको ये मार्क करा अपन. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए,
देन बी. ए बी इज अ इंसिडेंट लाइट रे एट द फर्स्ट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस. देन बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी इज द रिफ्रेक्टेड लाइट रे फ्रॉम द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस. ठीक है. एंड ऑल्सो बी टू सी इज द इंसिडेंट लाइट रे फॉर द सेकेंड स्फेरिकल सर्फेस. नाउ वॉट हैपन्स आफ्टर सी टू डी, ये आपका सी टू डी आ गई. सी टू डी को क्या बोलोगे आप? इमरजेंट लाइट रे. ठीक है. तो आप ये देखो, ये वाला जो डॉटेड वाला है, डॉटेड वाला तो क्या है, पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे. समझ में आ रहा है? दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, जो इनिशियली ये इंसिडेंट हुई थी. और ये जो ग्रीन है, ग्रीन वाला क्या है, पाथ ऑफ इमरजेंट लाइट रे, इमरजेंट लाइट रे. ठीक है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी इमरजेंट लाइट रे है वो इंसिडेंट लाइट रे का जो पाथ था उससे शिफ्ट हो गई, ये यहाँ शिफ्ट हो गई, हुई या नहीं हुई? बोलो जल्दी, हो गई शिफ्ट. ये जो शिफ्ट होता है इसको अपन ने yes, किससे डिनोट किया था, एक्स से डिनोट किया yes, था sir. और एक्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्स, व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ लेटरल, बोलो, एक्स इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट. और ये केस हमने कहाँ स्टडी किया था? ये केस हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. हाँ, रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये केस हमने वहां पर डिस्कस किया था दैट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है देन व्हाट हैपेंस दैट द इमर्जेंट रे, द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे शिफ्ट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे. ओके. एंड बोथ द इमर्जेंट लाइट रे एंड द इंसिडेंट लाइट रे विल बी, द पाथ ऑफ इमर्जेंट लाइट रे एंड द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. तो यही कुछ यहाँ पर आपको सीन दिख रहा है, आपको यही दिख रहा है, यही कॉन्सेप्ट हो रहा है. ठीक है. एक्स क्या है यहाँ पर? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है. पर अभी भी जो आपका क्वेश्चन बना हुआ था, क्वेश्चन ये बना हुआ था वाई इंसिडेंट लाइट रे पास्ड अनडेविएटेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस. यानी कि होना ये चाहिए था कि ये जो ए बी इंसिडेंट लाइट रे है आपकी, ये अनडेविएटेड सीधे आगे जानी चाहिए थी इस डॉटेड वाले पाथ पे. ठीक है. तो इसका आप क्या आंसर करोगे? तो इसका आंसर ये होता है कि फोर थिन लेंसेज, जो हम लेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? थिन लेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो फोर थिन लेंसेज और फोर थिन लेंस द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज very very small, lateral displacement is very small. ठीक है. so that we say incident light ray at optical center पास्ट अनडेविएटेड. ठीक है. अनडेविएटेड. समझ में आया एंजल जो आपने क्वेश्चन किया था? ओके. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम क्वेश्चन फॉर द कॉनकेव लेंस. सो इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑल्सो वी टेक अ इंसिडेंट लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर. सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इंसिडेंट लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर. ओके. सो व्हाट हैपेंस इफ द रिफ्रैक्शन विल नॉट हैपन? इफ द रिफ्रैक्शन विल नॉट हैपन देन दिस लाइट रे विल पास थ्रू द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे इज जस्ट लाइक दैट. दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे. सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है. दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे. ओके. नाउ लेट्स टेक अ सरफेस हियर. ओके. लेट्स टेक अ स्मॉल सरफेस हियर. दिस इज स्मॉल सरफेस. ओके. Let's take this small surface. This is a small surface. And at this small surface, draw a normal. Normal draw करते हैं इस small surface पे, यानी 90 degree. तो 90 degree देखो कुछ इस तरीके से. ये 90 degree हमने draw करा. ठीक है. This yellow is a normal at this point. Okay. This is the normal at this point. Okay. Now what we will do?
ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कराए. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज अ रेयरर मीडियम एंड अ डेंसर मीडियम इनसाइड द ग्लास, ओके, और अ लेंस. तो व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो व्हेन इट गोज रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा बताओ? When the light ray goes from rarer medium away to denser medium, away from the normal. Rarer medium to denser medium, rarer से denser में जब जा रही है तो away क्या होगा? Towards bank, towards normal, bank. Towards the normal होगा ना? Bank towards normal. It will not go on this path, but it will bend towards. Yes, sir. Okay, so this is just this is a path. Okay, let's take this is the path. Okay. So here now it will reach at this point. ये इस वाले point पर reach होगी, यहाँ पर आ जाएगी. Then we draw a normal at this point. So let draw this. This is a normal. This is a normal at this point. Now what happens? Now this light ray. Now this light ray will go from denser medium to rarer medium. Now denser medium to rarer medium में जब जाएगी वो तो क्या जाएगी? Away from the normal. बोलो. डेंसर से जब वो रेयरर में जाएगी तो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस सर, इमर्जेंट लाइट रे, यस सर, ठीक है. सो दिस विल बी द इमर्जेंट लाइट रे, सो दिस इज इमर्जेंट लाइट रे एंड दिस इज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे. तो अगेन यू विल गेट, अगेन यू विल गेट दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हियर. नाउ अगेन वी कैन राइट दैट बिकॉज this we are having the thin lens and because of the thin lens the lateral displacement is very small and because lateral displacement is very small so we can say that the incident light ray when incident on the optical center of a thin lens it will go past undeviated, theek hai, it will go past undeviated. So is tarah se to question ye diya hua hai, an object 50 cm tall. तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में लेंगे अपन. 50 सेंटीमीटर टॉल है, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. तो ध्यान रखना है कि लेंस कौन से अपना कॉन्वेक्स लेंस है. इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो कैसी इमेज होगी? वो रियल इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है. तो माइनस का क्या जाएगा यहाँ पर? माइनस 20 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दे रखी है, डिस्टेंस मेरा आपकी आवाज लैग हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा देखो और करते हैं फिर कुछ, ठीक है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो 10 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो ये कितना जाएगा आपके पास? प्लस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा. ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर मैं करता हूँ कुछ नेट का, ठीक है. तो देखो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन यू. ये होता है लेंस के लिए. तो यहाँ से अगर मैं यू निकालना चाहूँ तो यू इज इक्वल टू क्या जाएगा? वी इंटू एच डिवाइड बाई एच डैश, ठीक है. तो यहाँ से यू निकालते हैं अपन, वी की वैल्यू क्या है? प्लस का 10 है, ठीक है. एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू है प्लस 50, ठीक है. एच की वैल्यू प्लस 50 है, एच डैश है आपके पास माइनस 20, है ना. तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा पास 10 इंटू 50 डिवाइड बाय 20, और ये माइनस का साइन और आ जाएगा इधर, ठीक है. इसको सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल करो, टू से इसको कैंसिल करो, टू फाइव जो 10, तो 5 5 जो 25, तो माइनस 25 सेंटीमीटर आपके पास क्या जाएगा? U की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. फोकल लेंथ पूछी है तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं. लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u. तो 1/v, v देखो आपको कितना देखा है? प्लस का 10 है, माइनस 1/u. u कितना दे रखा है आपको? माइनस 25, ठीक है. इसका एलसीएम कर लेते हैं, 10 × 25, ठीक है. तो 10 × 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 25, है ना. और ये वाला माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 25 से 25 कैंसिल, हो जाएगा 10 आपके पास. तो ये आएगा आपके पास 35 डिवाइड बाय 10 × 25. और यहाँ से अगर f निकाला जाए तो f इजिकल टू हो जाएगा 10 × 25 एंड डिवाइड बाय 35. तो इससे 5 की टेबल से काट देते हैं, 5 7 जा एंड 5
फाइव टू जा, ठीक है, और क्या जाएगा 50 डिवाइड बाय 7, और 50 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा बताओ, 50 डिवाइड बाय 7 करो कितना आ रहा है। ओनली चिन्मय का आंसर सही है, किस किस का सही है, आप जो मेरा पूरा आंसर सही आ गया था, ये आ रहा है 7.14 सेंटीमीटर। अब अपन डिस्कस करते हैं इस पे जो भी आपका